उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ये मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति और सैनिकों की जरूरतों पर चर्चा करने के लिए हुई। रूस ने बुधवार को आरोप लगाया था कि देश में मिलाई गई क्रीमिया स्थित काला सागर बेड़े के उसके मुख्यालय पर पिछले हफ्ते मिसाइलों से किए गए हमले की साजिश में यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों का हाथ था। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमले की योजना पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, नाटो के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों और टोही विमानों का इस्तेमाल करके पहले से बनाई गई थी और इसे अमेरिकी और ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर और उनके समन्वय में अंजाम दिया गया। रूस के इस आरोप के एक दिन बाद स्टोल्टेनबर्ग ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि स्टोल्टेनबर्ग यूक्रेन के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली देने में नाटो के सदस्यों की मदद के वास्ते कोशिश करने पर सहमत हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने नाटो महासचिव को रिहायशी क्षेत्रों में हुए हमलों के बारे में भी जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी नागरिकों, हमारे शहरों, हमारे बंदरगाहों के खिलाफ इस तरह के हमलों से निपटने के लिए हमें अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की जरूरत है। वहीं स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो के पास यूक्रेन के लिए 2.4 अरब यूरो के गोला बारूद का अनुबंध है और इसमें हॉविट्ज़र गोले, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल और टैंक गोला बारूद शामिल हैं। उन्होंने कहा, यूक्रेन जितना मजबूत होगा हम रूस के हमले को रोकने के उतने ही करीब होंगे। इसके अलावा स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, रूस आज हथियार डालकर युद्ध खत्म कर सकता है लेकिन यूक्रेन के पास ऐसा विकल्प नहीं है। यूक्रेन के सरेंडर करने का मतलब शांति नहीं होगा, इसका मतलब रूसी कब्जा होगा।